हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि थ्योरम्स के बारे में, कुछ लाइंस एंड एंगल्स का थ्योरम के बारे में आपको मैंने समझाया था कि वो सब क्या होता है। उस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस जब हम लोग आगे और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, जो इससे ही मिलता जुलता है, तो मैं और कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड, कुछ एंगल्स से क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आपको करके आना है, ठीक है। आज ही मैं आपको लास्ट में कुछ और होमवर्क भी दे दूंगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है, इसके अंतर्गत ही बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, अब आप देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है। आपने पहले भी सुना होगा, पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में बातें होती है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। पहली बात आप समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है सर्वांगसम, जिसको अगर समझने की कोशिश करें हम लोग, तो दो सर्वांगसम मीन्स सब कुछ उसमें है जो बराबर है, इक्वल है, वही सर्वांगसम होता है। जैसे कोई भी, जैसे दो सेम ही ब्रांड का आप अगर दो पेन खरीदोगे तो वो दोनों पेन बिल्कुल एक जैसा होता है, तो दोनों पेन क्या है, सर्वांगसम है कि नहीं। कुछ भी जो दो एक जैसा होता है वो क्या होता है, सर्वांगसम होता है। कुछ भी एक टिफिन बॉक्स आपका एक ही कंपनी का अगर है तो वो बिल्कुल एक जैसा होगा, सर्वांगसम होगा। तो वही काम हम लोग ट्रायंगल के साथ भी करते हैं। ट्रायंगल में भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट है, इसका मीनिंग क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग हुआ कि दोनों के सारे अंग सेम हैं, सारे साइड्स। अब ट्रायंगल में होता ही क्या है, थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री साइड्स होते हैं, तो तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स अगर इक्वल हो गए तो वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, समझ रहे होंगे आप। तो इसके बारे में देखते हैं कि पहले मैं आपको, चलो ट्रायंगल के बारे में लिख देता हूं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपर इम्पोज, मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ, सुपर इम्पोज ऑन दी अदर। इसका मतलब क्या हुआ, सुपर इम्पोज मतलब हुआ कि अगर उसको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। अब इसका मीनिंग समझिए कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर एक के ऊपर दूसरे को सुपर इम्पोज कर दिया जाए, मतलब रख दिया जाए, तो उसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट एक का ज़्यादा रहेगा, एक दूसरे का कम रहेगा। जैसे ब्रेड का पैकेट आप खरीद के आते होंगे, जैसे बिस्किट का डब होता है बॉक्स, तो बिस्किट में कैसे एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज रहता है, एक बिस्किट रहता है उसके ऊपर बिल्कुल सेम, उसी तरीके से दूसरा बिस्किट रखा रहता है उसके ऊपर सेम, उतना ही ऊपर तीसरा बिस्किट लगा रहता है। थोड़ा सा भी फर्क रहता है क्या, 1 मिलीमीटर का भी नहीं रहता है। तो वही होता है कि ट्रायंगल में भी आप समझो कि वही बिस्किट जैसा, मान लो कि ट्रायंगुलर बिस्किट रहता है, उसके ऊपर दूसरा आप ट्रायंगुलर बिस्किट रखोगे तो बिल्कुल सुपर इम्पोज हो जाना चाहिए, मतलब कवर कर लेना चाहिए, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे, है कि नहीं। अब सब कुछ कवर कर ही लेगा तो उसका डायग्राम कैसा दिखेगा, उसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा कि ये ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। हो सकता है मैं हाथ से ड्राइंग कर रहा हूँ तो उतना कुछ सिमिलर दिखे ना, बट मैं कोशिश पूरी करूँगा, लेकिन आप समझ जाना कि बिल्कुल दोनों सेम सा है, ठीक है। जैसे ये दो ट्रायंगल हो गए, एक का नाम मैंने बोल दिया ए बी सी और दूसरे का नाम है डी ई एंड एफ। तो देखो ये अब इसके इक्वल है, ये अब इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये कब बोला मैंने, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक दूसरे को पूरा कवर कर ले, अगर उसको हम लोग एक दूसरे के ऊपर रखे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे और उनके सारे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ। तब करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है,
करस्पॉन्डिंग मतलब कि उसके जगह पे जो है, उसके जगह, जैसे देखो ए के जगह पे इस ट्राइंगल के लिए क्या है, ए के जगह पे इस ट्राइंगल के लिए क्या है, डी, तो ए डी के इक्वल होना चाहिए, बी के जगह पे क्या है, ई, तो बी ई के इक्वल होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये मीनिंग होता है करस्पॉन्डिंग का, और इस प्रकार हम लोग डिफाइन करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को, ठीक है, आसानी से आप समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि इफ टू ट्राइंगल्स, इफ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट, देन एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी। ये आप समझिए, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल एफ, एंड ए बी विल बी इक्वल टू डी ई, बी सी विल इक्वल टू ई एफ, एंड ए सी विल बी इक्वल टू डी एफ। समझ रहे हैं आप चीज, इस चीज को। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बोला कि ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान से देखना, ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है, तो ए डी के इक्वल हुआ, बी ई के इक्वल हुआ, है ना, सी एफ के इक्वल हुआ, सी एफ के इक्वल हुआ, और उसी प्रकार देखो आप तो ए बी डी ई के इक्वल हुआ, है ना, देखो बी सी, बी सी ई एफ के इक्वल हुआ, अब समझ रहे इस चीज़ को। और वैसे ही ए सी, ये ए सी डी एफ के इक्वल हुआ, आप इस चीज़ को समझो, मतलब कि ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि करस्पॉन्डिंग जो वर्ड है, करस्पॉन्डिंग मतलब उसके जगह पे जो दूसरे के, दूसरे ट्राइंगल में है वो उसके ही इक्वल होना चाहिए, मतलब ए डी के ही इक्वल होगा, बी ई के ही इक्वल होगा, सी एफ के ही इक्वल होगा, ऐसा नहीं कि ए एफ के इक्वल हो जाए, तो फिर ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो फिर ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ऐसा कुछ हो गया, चलो उस बारे में हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि अगर यहीं पे मैंने ये बोला होता कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, डी ई एफ नहीं लिखता, ट्राइंगल डी एफ ई लिखता, तो क्या होता, तो अब ए बी डी एफ के इक्वल होता, समझिए, अब ए बी किसके इक्वल होता, डी एफ के इक्वल होता, है ना, बी सी किसके इक्वल होता, ई एफ के इक्वल होता, वो तो चलो पहले भी है, बी सी ई एफ के इक्वल हो जाता, है ना, बी सी किसके इक्वल हो जाता, ई एफ के इक्वल हो जाता, ये बी सी ई एफ के इक्वल हो जाता, इस केस की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी सी अगर डी एफ ई के कॉन्ग्रुएंट होता, और उसी प्रकार ए सी किसके इक्वल हो जाता, डी ई के इक्वल हो जाता, तो ए सी को किसके इक्वल करना पड़ता, डी ई के इक्वल करना पड़ता, समझ रहे हैं आप, और इससे पहले जबकि ए बी डी ई के इक्वल था, आप समझिए, देखो येल्लो येल्लो के इक्वल है, ग्रीन ग्रीन के इक्वल है, रेड रेड के इक्वल है, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नेमिंग का पार्ट, ए बी सी डी ई एफ के इक्वल है, के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या कहानी होगी, और ए बी सी अगर डी एफ ई के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या कहानी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको ख्याल रखना है कि नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि नाम अगर ये ट्राइंगल उसके कॉन्ग्रुएंट है तो फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सेकेंड वाले ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होंगे, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया तो आगे और भी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, उससे और अच्छा आपको समझ में आएगा, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब दो ट्राइंगल को हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, कब हम लोग बोलेंगे कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, क्या होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, कंडीशंस होते हैं, क्राइटेरिया मतलब हुआ कि कुछ वही कंडीशन होते हैं कि ये ऐसा होगा तो फिर बोल सकता हूँ कि हाँ ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है मिनिमम, ठीक है। तो सम ऐसा मैं लिखूँगा, कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस
ऑफ टू ट्राइंगल. क्या कंडीशंस हो सकते हैं? पहला एस ए एस, ठीक है, इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड. दूसरा होता है ए एस ए, ये क्या होता है आप खुद भी समझदार हो, एंगल साइड एंगल. तीसरा होता है, तीसरा वैसे कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ए ए एस, ये सेकंड के इक्वल ही होता है, सेकंड और थर्ड लगभग बराबर ही होता है. ये क्या है? एंगल एंगल साइड. चौथा होता है एस एस एस, समझ गए होंगे आप, साइड साइड साइड, ओके. और पांचवा होता है, तो ये पांच ही क्राइटेरियाज होते हैं, ओके. तो अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं कि पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है. तो पहले की बात करें, चलो पहला स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कौन सा है? एस ए एस. फर्स्ट वाला कौन सा था? एस ए एस, ठीक है. अब ये कहना चाहता है कि कोई भी दो ट्राइंगल में, किसी भी दो ट्राइंगल में, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी सी डी ई एफ. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा अगर एस ए एस क्राइटेरिया इसमें फुलफिल होगा तो. अब एस ए एस का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैंने फुल फॉर्म आपको बताया, साइड एंगल साइड. तो ये मीनिंग उसका हो जाता है कि अगर कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, मतलब कि ए सी का करस्पॉन्डिंग आप खुद समझ गए होंगे कौन सा होगा, डी एफ. अगर ए सी डी एफ के इक्वल है, हाँ, अगर ऐसा भी हो सकता है ए सी डी ई के इक्वल भी बोल सकता है ना, वो अलग एक कहानी है, वो हम लोग बाद में देखेंगे. फिलहाल ए सी डी एफ के इक्वल है, ठीक है. उसी प्रकार बी सी ई एफ के इक्वल है और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है. बस इतनी सी कहानी है. ए बी डी ई के बारे में कुछ नहीं पता, एंगल डी के बारे में कुछ नहीं पता, एंगल बी के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, बस इतना ही पता है. तो इस केस में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. मतलब अगर किसी भी ट्राइंगल में देखो ध्यान से, तो ये साइड एंगल साइड हो गया, हुआ कि नहीं. पहले साइड मतलब दोनों दो साइड बराबर हो और उनके बीच का, देखो दोनों के बीच में ना एंगल, उनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाए दो ट्राइंगल्स में, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है. इस केस में दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो देखिए ये चीज आया किधर से, कैसे आया. तो ये चीज भी एक एक्सियम है. ये क्या है? एक एक्सियम है. इसे प्रूव नहीं किया जा सकता है. एस ए एस को प्रूव नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. अगर आपको कहीं देखने को मिलता है कि एस ए एस इस प्रकार से प्रूव किया गया है, तो गलत बात है. एस ए एस एक एक्सियम है, ऐसा हम लोग मानते चले आ रहे हैं, ठीक है. तो एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड से कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है. मतलब कि दो साइड्स मीन्स टू पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो और उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो. मीन्स यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू डी एफ है, बी सी इक्वल्स टू ई एफ है, और साथ में इसके चलो बीच में ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इसके बीच में लिखते हैं. एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल टी एफ ई. अब देखो यहाँ पे ये क्या है? एक साइड है, ये क्या है? एंगल है, और ये क्या है? साइड है. क्योंकि ये सब कहानी है, इसीलिए मैं क्या बोलूँगा, ट्राइंगल ए बी सी, अब ध्यान से देखना, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ. यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ ई लिखना बिल्कुल ही गलत था. क्योंकि देखिए ध्यान से, तो ए सी जिधर जिस प्लेस पे रखा हो,
DF भी उसी जगह पे रखा होना चाहिए, है ना। अब देखो AC इधर रखा है बट DF ध्यान से देखो तो इधर रखा है, क्या ये बात सही है? नहीं है, इसीलिए ये बिल्कुल गलत है। और इधर देखो AC DF के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। BC EF के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। और एंगल भी जिधर C रखा हो उधर ही F भी रखा होना चाहिए। देखो C इधर है, F भी इधर है। तो डायग्राम के साथ साथ आप नाम से भी देख सकते हो कि कैसे वो हम लोग देख सकते हैं कि नाम क्या रखना सही है। अगर नाम देखना आप सीख गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कई लोगों को नाम लिखने में दिक्कत हो जाता है, वो उल्टा पुल्टा नाम लिख देते हैं, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। और एक और जो मैंने बड़ी बात यहाँ पे बोली कि SAS क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है और इसे प्रूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्जियम बोलते हैं, ठीक है। तो मेन यही होता है, मेन सबसे मेन अगर आपको बोला जाए कॉन्ग्रुएंसी आया किधर से, तो साइड एंगल साइड से आया, साइड एंगल साइड से वो आया कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इधर से ही बाकी सारे क्राइटेरियाज भी आए। SAS का यूज करके ही बाकी सारे क्राइटेरियाज धीरे धीरे डेवलप किए गए, बट सबसे पहले क्या आया? SAS आया, ठीक है। सबसे पहले SAS आया, फिर बाकी सब धीरे 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 करके आते गए, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे एक एक करके। और यहाँ पे एक और बात मैं बताऊँगा कि आगे जो भी कॉन्ग्रुएंसी होंगे उसमें मैं ये बोलूँगा कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई यूजिंग एनी ऑफ दीज क्राइटेरियाज देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर एंड एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल बाय CPCT। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा, लिख देता हूँ यहाँ पे नोट जो आगे पूरा काम आएगा, एक नोट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा बोल्ड में लिखता हूँ और किसी और कलर से लिखता हूँ। नोट ये है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर congruent, if two triangles are congruent, then their corresponding, अब corresponding आपको पता है, corresponding sides and angles are also congruent, means equally समझो। अब थोड़ा सा मैंने पिछले पार्ट में बताया होगा कि कॉन्ग्रुएंट मीन्स किसी भी दो साइड भी कॉन्ग्रुएंट होते एक दूसरे के, तो दो साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा अगर दोनों का लेंथ इक्वल हो जाए, तो वही इक्वली हो गया, उसको मैथ्स के प्रॉपर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ही बोलते हैं। और कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT, ये कई बार आपको टर्म हो सकता है देखने को मिल जाए, कई बुक्स में देखने को मिल जाए, कई जगह पे आपको सुनने को मिल जाए, और एग्जाम में भी आप ऐसे टर्म्स यूज करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने हाँ अच्छे से पढ़ाई करी है, वो मार्क्स देने में उसको कोई हिचक नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ हर बार मैं क्वेश्चन चलो सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कैसे करने वाले हैं। तो CPCT का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, अब टी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि नाउ ट्राइंगल ABC इज इफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, जैसे यहीं पे ये इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक मिनट में बाकी सबको इरेज कर देता हूँ, ये तुम लोग जाओ भाई, ये सब मैंने इरेज कर दिया, चलो ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ही। अब जैसे ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, तो यहाँ पे लिखूँगा अब बाय CPCT, बाकी जो पार्ट्स बचे, क्या बचा? AB, वो किसके इक्वल होगा? DE के इक्वल होगा, होगा ना, साथ में और जिसकी जिसकी ज़रूरत होगी वो लिख दूंगा। एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल D के इक्वल होगा। उसी प्रकार और क्या होगा? एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल E के इक्वल होगा, समझ रहे हैं। तो ये किधर से आया? बाय CPCT का मीनिंग ये होता है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, और अगर एग्जाम में लिखोगे तो आपको और थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, ओके, एक दो और मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब वही लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिलता है। आपको पता है एग्जाम में अब जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, कई लोग सब सारे क्वेश्चन सही करके आते हैं, तो किसी को 99 मिलता है, किसी को 100 में मिल जाता है, और वही सेम क्वेश्चन में सेम करेक्ट करने के बाद भी किसी को 90 मिलता है, किसी को 85 मिलता है,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन उतना कुछ परफेक्ट नहीं था, जिस तरह से आपको लिखना चाहिए था आपने उस प्रकार से नहीं लिखा, तो मार्क्स आपको उस लेवल के नहीं मिलने वाले, है ना। वही जिसने अच्छे से उसे रिप्रेजेंट कर दिया उसको वो अच्छे से मार्क्स देगा, है कि नहीं। तो वहाँ पे वो चीज़ मायने मैटर करता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक चीज़ तो हैंडराइटिंग मैटर करता है कि हैंडराइटिंग आपने कैसे क्या क्या हैंडराइटिंग से लिखा है, और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन क्या है आपका, कैसे आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, कैसे लिख पा रहे हो, उस पर भी मैटर करता है सब कुछ। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे प्रॉपर तरीके से आपको किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहिए, है कि नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये SAS बताया, तो SAS का यूज़ करके मैं एक दो थियोरम्स आपको बताता हूँ, फिर आगे के क्राइटेरियाज मैं आपको बताऊँगा, आगे जो मैंने और टोटल 5 बताए हैं, अभी तो पहला ही एक ही क्राइटेरिया मैंने बताया है आपको। तो चलिए इस क्राइटेरिया का यूज़ करके ही एक क्वेश्चन या फिर हम लोग थ्योरम भी बोल सकते हैं, एक थ्योरम आपको दिखाता हूँ और वो प्रूव करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार आपको लिखना चाहिए। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, या मैं थ्योरम लिख देता हूँ। थ्योरम ये कहता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन इक्वल नहीं एक ही बार में इक्वल लिखने से अच्छा है कि एन आइसोसेलस सीधे लिख देता हूँ। आइसोसेलस आपको पता होगा आइसोसेलस क्या होता है, आइसोसेलस ट्राइंगल आर इक्वल। अब इस चीज़ को समझिए क्या होता है। ये बोलना चाह रहा है कि किसी भी आइसोसेलस ट्राइंगल में सम द्विबाहु त्रिभुज में, मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं, उसमें अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आप कैसे प्रूव करोगे? तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसको कैसे लिखना सबसे अच्छा रहेगा, जिसमें कि एग्जामिनर भी मार्क्स डिटेक्ट करने से पहले सोचेगा कि क्यों इसका मार्क्स मैं काटूँ। तो चलो ये वाला कलर, सबसे पहला काम क्या, डायग्राम मतलब आधा मार्क्स। कई लोग डायग्राम बनाते भी नहीं है और वो फिर सोचते हैं कि उनको अच्छा मार्क्स मिल जाए, नहीं है पॉसिबल। एक डायग्राम बनाएंगे, नाम नोटेशन आप अपने हिसाब से दो, ए बी सी, ठीक है। उसने बोला है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट, जैसे ये दोनों साइड चलो मैं इक्वल ले लेता हूँ, तो उसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे मीन्स सी और बी इक्वल होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं ऐसा दो तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे दो तरीका बिल्कुल, दोनों बिल्कुल करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है। ऐसे मैं करूँगा, लेट ट्राइंगल ए बी सी, लेट इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। ये क्या लेट लिख दे, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है, ये भी सही है, इससे पहले जो लिखा था मैंने वो भी सही था। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, जो आप सोचो आपको वो लिख देना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आगे आपको भी पता है कि कुछ भी प्रूव करने के लिए थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ता है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो एक एडी एक लेंगे जो कि एंगल ए का बाइसेक्टर है। समझिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या किया, एडी में लिया मैंने जो कि एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस ये और ये इक्वल है, और कुछ भी नहीं लिया मैंने, ऐसा नहीं कि ये इस पे परपेंडिकुलर है नहीं पता, ऐसा नहीं कि ये इसको भी टू इक्वल पार्ट में बांट रहा है नहीं पता, सिर्फ इतना ही लिया कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। ये मैंने वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन ले लिया। तो उसको कैसे लिखेंगे, और बहुत सारा तरीका है लिखने का, बस आप समझा पाओ कम शब्दों में। सो ड्रॉ दी बायसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए, है ना, विच मीट्स
BC, which meets BT, BC at D. D पे मिलता है. ओके ये हो गया. अब आगे क्या लिखेंगे आप बताओ. यहां तक की कहानी हो गई, कंस्ट्रक्शन ये किया. आगे हम लोग प्रूव करने वाले थे, वो लिखेंगे प्रूफ. क्या प्रूफ आप देने वाले हो? प्रूव करने के लिए. प्रूफ देने वाले हैं प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो प्रूफ हम लोग देंगे कि इन ट्राइंगल, देखो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी. ध्यान से देखना, ए बी डी और ए सी डी दो अलग ट्राइंगल. मैं ऐसे आपको भी समझाने के लिए कर देता हूँ. ए बी डी ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये रहा ए बी डी. और दूसरा कौन सा, ए सी डी. ए सी डी ये रहा ए सी डी, ये येलो कलर का ट्राइंगल और ग्रीन कलर का ट्राइंगल. ठीक है, इन दो ट्राइंगल में वी हैव क्या है बताइए, क्या क्या इक्वल है? ए बी ए सी के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है. किधर से आया ये, तो ब्रैकेट में वो भी लिखो, गिवन है. हमने जो गिवन था उसके हिसाब से लिखा, ए बी इक्वल टू ए सी. एंगल बी ए डी, आप ही बताओ एंगल बी ए डी क्या एंगल सी ए डी के इक्वल होगा? बिल्कुल. क्यों इक्वल होगा? देखो अब वापस से बता देता हूँ कि ये एंगल क्या है, इसके इक्वल है ना. क्यों इक्वल है? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, है कि नहीं? ये किधर से आया? बिकॉज ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. सही बात है, एंगल ए का बाइसेक्टर है वो. ओके एंड साथ में एंड ए डी इज इक्वल्स टू ए डी. देखो मतलब ए डी दोनों में, देखो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है ना ए डी. येलो कलर भी ए डी पे, ग्रीन कलर भी ए डी पे, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है. ये किधर से? कॉमन साइड, है कि नहीं? दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन साइड. ये तीनों लिख देने से खुद ही आप देखो, इतनी सारी चीजें आपने लिख दी तो मार्क्स कट नहीं होने वाले. ओके ये आपने लिख दिया, अब लिखेंगे आप खुद ही देखो. अब देखो ध्यान से, तो ए बी ए सी के इक्वल है. अब ट्राइंगल को मैंने दो अलग कलर से दिखा दिया था, अब इसको मैं उससे भी दिखा, एक मिनट थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं. अब देखो ध्यान से, ए बी ए सी के इक्वल है. ये ए बी, ये ए बी ए सी के इक्वल है. ठीक है, और क्या इक्वल है? बी ए डी सी ए डी के इक्वल है. ये एंगल ग्रीन वाला सी ए डी के इक्वल है. और क्या इक्वल है? ए डी ए डी के इक्वल है. तो ध्यान से देखो, येल्लो येल्लो के इक्वल है, रेड रेड के इक्वल है, ग्रीन ग्रीन के इक्वल है. तो क्या आपको एस साइड एंगल साइड दिख रहा है कि नहीं? तो हेंस या देयरफॉर बाय एस ए एस, है कि नहीं? साइड एंगल साइड बाय एस ए एस ऐसे भी लिख सकते हैं, क्राइटेरियन भी लिख सकते हैं यहाँ पे. एक मिनट, बाय क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, या और भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी वो भी बिल्कुल सही होता. वी हैव ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी. दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके सारे पार्ट्स इक्वल होने वाले. कैसे? सी पी सी टी से. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, हेंस ट्राइंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. किधर से? बाय सी पी सी टी. अब आपको पता है सी पी सी टी क्या होता है, तो यही तो प्रूव करना था, है कि नहीं? देखो टू प्रूव यही है, तो ये हमने प्रूव कर दिया. ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड. समझे आप? तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं. नेक्स्ट डे और भी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, और फिर उसके आगे और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट डे मिलते हैं. आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए और होमवर्क करते रहिए. और आज का होमवर्क है आपको ये सारे, आज मैं एक्स्ट्रा कुछ होमवर्क यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसी में मैं चाहता हूँ कि आप इसे अच्छे से लिखो. ठीक है, अच्छे से लिखो. हम लोग और भी क्राइटेरिया पढ़ेंगे आपको, मैं उसके बाद क्वेश्चन